So what's up guys, Gaurav back with the vlog. And guys, today we are going outside. We are going for shopping basically. और यहाँ पे एक सनरेज मॉल है कैलगरी के अंदर, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी के अंदर. तो वहाँ पे जा रहे हैं शॉपिंग के लिए. तो मेरे को भी थोड़ा बहुत सामान लेना है एंड देन मेरे फ्रेंड को भी जो है थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है. सो लेट्स जस्ट गो और देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहने वाला है. Thank you. So Dex भाई साहब कैसा लग रहा है वापस आके? वापस आके बहुत बढ़िया लग रहा है. आज मतलब पर्ची बांटेंगे, आज पावती बांटने वाले Dex भाई. अरे आप सुदर्शन भैया, आप अपना इंट्रो तो दे दो. जॉब दे दो, जॉब दे दो. क्या लग रहा है, मिल जाएगी जॉब आज? मिल जाएगी भाई. आज तो मिलेगी नहीं, पर मतलब क्या लग रहा है, क्या चांसेस लग रहे हैं एक्सेप्टेंस के? भाई इतना कमाएंगे कि हम दोनों का फीस भी भर देंगे. भाई ये सही में अगर हो गया ना, सही में भर दूंगा मैं. अबे यहाँ के बंदे कैंसर को लेके बहुत टेंशन है यार. क्या भाई, हर एक सिटी का एक एक टीम है ना. हाँ वैसे यहाँ के लोग कैलगरी फैन बॉय. नहीं भाई हम चेन्नई के फैन है भाई. तुम बॉटम पे हो बोलना. यार क्या ही बोले यार, इसी बार है यार. ये भी बॉटम है बंगाल वाले. हाँ कोलकाता भी काफी नहीं, कोलकाता तो सबसे लास्ट है ना इस टाइम. इस बार आरसीबी जीतेगा भाई, फिर से पता चला कहाँ का भाई. रहने दे, लास्ट तक पहुंचते हैं, मना नहीं कर रहे, लेकिन फिर वो जीत नहीं पाते. 10 साल से कट्टर फैन है भाई हम आरसीबी और हम सीएसके के. Dex भाई ने स्केचर्स का जूते भी तो लेने हैं. देखते हैं आज मोटी शॉपिंग को Dex ही करेगा. पैसा भैया जी, अंदा पैसा. गाइस अगर आप म्यूजिक के फैन हो तो यहाँ पर आप आ सकते हो. सनरिज मॉल में है ये और काफी सारे वो हैं. सो जाना शू कंपनी देख ले जूते. सो गाइस यहाँ पे काफी सारी तरह की, यहाँ पे स्लीपर्स, शूज एंड ऑल. स्केचेस भी है ब्रो यहाँ पे, ये देख स्केचेस के भी पड़े हैं. एडिडास के तो हैं, टैलेंट चाबी. Dex भाई का फेवरेट पूमा. A6 के हैं. हाँ. A6 के कितने के हैं? $80 के हैं. स्केचर्स के भी तो अच्छे हैं. देखिए ये $90 के हैं ब्रो. भाई ये तो स्केचर्स वाला माल है, Dex वाला माल. इसका थोड़ा सॉफ्ट है. हाँ तेरे रगेड है. ये सारा. तेरे रगेड है. तो इसे स्नो पे. अच्छा है ना? बहुत सही यार. अभी तो काफी ज्यादा लाइट वेट है यार. ऑल ब्लैक ऐसा बता, पापा को पसंद है ऑल ब्लैक वाली चीज. ऑल ब्लैक तो हमने भी लेनी है. हाँ यार ब्लैक नहीं है. गाइस इफ यू वांट टू बाय शूज तो आप यहाँ पे शू कंपनी में आ सकते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं. काफी सारे शूज हैं, नाइकी के भी हैं, एडिडास के भी हैं, स्केचर्स के भी हैं यहाँ पे, और अलग अलग प्राइस पॉइंट पे भी हैं. $60, $40. डेफिनेटली हाईली रिकमेंड किया अगर आप यहाँ पर अभी चेक करना चाहते हैं. और ये रंडल में है बेसिकली जगह, तो रंडल में सनरेज मॉल है तो वहाँ पर है. तो डेफिनेटली यू कैन चेक दीज आउट. और कुछ कुछ महंगे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे शूज़ सस्ते हैं. यहाँ पे थोड़े से महंगे भी हैं, बट डेफिनेटली सारे ब्रांड्स हैं तो वैरायटी ज़्यादा हो जाती है. तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस स्टोर. $80 के? $90 के हैं ब्रो. और फिर ऊपर टैक्स भी तो लगेगा. इंडियन में कन्वर्ट करके तो कितना हो जाता है? 4.5 नहीं 5,000. ठीक तो है उस हिसाब से. इंडिया तो है, इंडिया में भी तो इतनी प्राइस पॉइंट के मिलते हैं. हाँ बट ये महंगे तो है ही ना. डेफिनेटली मैं सो ये मैं बागी के लिए ले सकता हूँ. ये काफी महंगे हैं ब्रो, ये छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज्यादा महंगे. नहीं है स्केचर्स. ओह नाइस. ये कितने के? 30 भाई. अच्छे हैं बट भाई महंगे हैं ना. हर चीज का क्वालिटी तो है. ओए कैसे हुआ, कब वापस कर? ओ भाई वॉकिंग सेंसर. ये वॉकिंग सेंसर. हां कुछ ज्यादा बड़ी लिफ्ट्स नहीं है यहां पे? हां बहुत बड़ी है. मतलब
इंडिया के कंपैरेटिवली काफी खुली है, काफी अपने कॉलेज वाली देख ले, वो तो सुपर फास्ट लिफ्ट है। कौन से वाला सही है ना, ले सकता है, परफेक्ट है। कितने का कपड़ों के साथ जाएगा? सेल पे $70 का है भाई, सही लग रहा है। क्या बोले, क्या कर रहे हैं हायरिंग के लिए? हायरिंग के लिए भैया ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और मजे की बात क्या है ना, ये देख, ये थोड़ा सा मिड वाला भी अच्छा लगेगा, ये सॉक्स स्नीकर्स बोलते हैं। हाँ, और एक ये वाला भी है, मेरे को ये भी अच्छा लगा, व्हाइट वाला। व्हाइट तो है, ये अच्छा है, ये अच्छा। यार ये लो वाले नहीं अच्छे लगते, वो ये क्या जमैकन ऑल ब्लैक तो बढ़िया। अच्छा ये देख, ये 120 का ही 120। हाँ ये तो ब्रो एनीमे स्टोर है ना पूरा, इसमें डीवीसी का भी था भाई। एक शर्ट है $28 की। एक शर्ट $28 सेम ऐसी क्वालिटी की है, ये 250 की है भाई। बट भाई फिर ये एनीमे के ऊपर है ना सारी। कैप्स तो अच्छी है लेकिन $30। यहाँ पे डीवीसी का वॉलेट भी है, नरूटो वगैरह का भी होगा। वॉलेट है, सारे खाने पीने वाला फूड कोर्ट बनाया, KFC वगैरह भी है और सामने भी मॉल है पूरा। मैंने घर जाके आपको दिखाऊंगा, मैंने प्यूमा के शूज लिए हैं। और यहाँ पर हम एक एनिमे स्टोर में आए, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के सारे एनिमेस के टॉयज हैं। कोई पसंद आया तेरे को? जो चाहिए हो तो है। नहीं, किसका चाहिए तेरे को? नरूटो का? नरूटो का, काकाशी का चाहिए तो अकात्सुकी का चाहिए, वो है नहीं। पर यहाँ पे गोकू वगैरह के बहुत सीरीज के हैं, नारुतो शिपुडिन सीरीज, फ्रीजा का भी है बे, ड्रैगन बॉल जी, प्रिंस वेजिटा भी है। हाँ मैं वही दिखाने लगा तेरे को, बट मुझे गोकू का अच्छा लगा। गोकू के ये देख कितने सारे हैं, गोकू के काफी सारे हैं। ये देखना, ये भी गोकू का, ये सुपर सेन वाला है। ये वाला काफी महंगा है, ये 60 का है। बीच बीच में सस्ते हैं, जो ये वाला है ना, ये वाला नॉर्मल गोकू, ये 30 का है या 20 का आई थिंक। गोकू सीरीज तो काफी क्रेज है भाई, ड्रैगन बॉल का तो बहुत क्रेज है यार, मेरे को खुद को बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने लाइक फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स के अंदर, तो आप इनके ये बाय कर सकते हो। थोड़े से महंगे भी हैं, लेकिन कुछ कुछ सस्ते भी हैं यार, ऐसे सस्ते हैं बट जो चाहिए वो तो है नहीं। इसको नरूटो में चाहिए बट वो उसको मिल नहीं रहा है। जुजुत्सु काइसेन का मैं ले लेता यार, जुजुत्सु काइसेन का भी नहीं है ना। बट यार पूरा अच्छा स्टोर है एनिमे का यार, ये पूरा मतलब टी शर्ट्स वगैरह भी हैं। सो गाइस ये देखो, टी शर्ट्स वगैरह भी हैं यहाँ पे बहुत सारी, तो पूरा एनिमे का है। और यहाँ पे ये पोस्टर्स भी हैं, ये आई थिंक $12 के हैं, और इसमें बहुत सारे हैं, जोकर का है और भी बहुत सारे यहाँ पर हैं। तो और ये सारी हुडीज वगैरह भी हैं नरूटो की, या फिर अगर आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, बहुत सारी हैं यहाँ पे। एंड दैट्स द शॉप नेम, और ये सनरिज मॉल में है। सो गाइस यहाँ पर ये पिकाचू का पूरा सेट भी है, और बहुत सारे निंजा टर्टल्स भी है ब्रो, बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये सब चीज़ों में, तो आप चेकआउट कर सकते हो। $60 के है ना ये। और मिस्ट्री बॉक्स कितने का था? 60, वही 60 का ही है मिस्ट्री बॉक्स, तो चेकआउट आप कर सकते हो यार। हाँ ये मार्बल वाले भी हैं भाई। ये देख G.I. Joe के पॉप हेड्स, एक एक $40 का है। देख $13, $9, $16। तो गाइस हम यहाँ आए हैं, हमें एक्चुअली चाबी वगैरह का भी काम है, तो कीज़ का भी पूछ लेंगे।
कि अगर यहाँ पर कीव्स वगैरह हमारी बन जाती हैं भाई। ये भी स्टोर सही तो लग रहा है, कपड़े वपड़े हैं यहाँ पे, पर ये डॉलरामा जैसा ही है, जैसा है मैं कह रहा हूँ। डॉलर स्टोर नाम है, कुछ नहीं रहा डॉलर, $1.50 पर। इंडिया वाले ही हैं यार ये, फ्लेवर वही है, ग्रीन वाला भी है क्या, ऑरेंज वाली वायर वायर है कुछ, ये वही है। ये अच्छे हैं, चीटोस अच्छे होते हैं वाले, ब्लेज अपने वाले ब्रो, येलो वाले, रेड वाले भी हैं। क्या चलो भाई, तो हमने ये भी ले लिया है, ये अच्छे वाले चीटोस हैं यार, बढ़िया तीन ये और एक ये बड़े वाला, ये एक एक डॉलर की तो है, बढ़िया टेस्टी है ना। हाँ तो ठीक है ना, आर्ट कंप्लीट करने है ना तेरे से, ठीक है। मतलब आप तीनों के पास चाबी होगी ना एक एक। अभी हम छेद में डालते हुए घुस गए एकदम बढ़िया। क्यों मेरे को जूते ज़्यादा अच्छे मिल गए इसलिए? हाँ मैं अपने पैर काट के तेरे जूते में फिट कर दूंगा भाई। मतलब ऐसा हो सकता तो भाई कर सकते थे देख, पर ऐसा हो नहीं सकता। इधर भी जूते सस्ते में हैं यार, बस इनमें से कौन सा वाला पसंद आ रहा है? सारे मेरे को वाला। कौन सा? ये वाला, ये वाला इसका ब्लैक वाला भी। ब्लैक वाला अच्छा है, कितने का था ये? 120। ओ भाई स्टील से भी तगड़ी है। सो गाइस ये गेम स्टॉप और यहाँ पर पूरे टेक वाला सामान मिलता है, काफी अच्छी है। तो यहाँ पर हेडफोन्स गेम्स है ना। कौन सा वाला देख रहे हो तुम? और ये देख तो गाइस ये काफ़ी सारे गेमिंग हेडफोन्स हैं, तो अगर आप क्या ऊपर आते हो तो आप गेम स्टॉप पे जा सकते हो। तेरे को कौन से लेने हैं? देखते हैं, सोचते हैं। 11 नहीं है ना, 12 है। एक्सेस कितने बजे? अरे 11 है तो सही ब्रो। कहाँ पे? ये देख 375 to 500। अरे पूछ लेना क्या एक्सचेंज कराना है, बदले में उतना मिलेगा क्या? कितने मिलेगा? ट्रेड कर सकते हैं ना तू, सही चीज़ है अगर भाई अच्छा प्राइस देंगे तो। अगर 12 देंगे तो मैं दे सकता। 12 या 12 प्रो? 12 प्रो पूछ ले। देख कितने सारे हैं, बैटमैन के भी हैं, पिकाचू वगैरह के भी हैं, पोकी बॉल भी है, सही बात भी है। बिल्कुल ले लिया अपने हेडफोन्स, बिल करा रहा है, गोरी बन गया ना, टाइम ले रहा है। वाइट लेनी है ब्लैक लेनी है? ब्लैक ये वाली ब्लैक है तो इसकी मेरे पास ही वाली। नहीं नहीं तो ये ब्लैक है तो नाइकी की सही है। ओए सुन ये कुछ याद आया? बुल्स ना, द रॉक ना, सेटा। क्या कह रहा था तू? फोन के लिए शुक्रिया भाई। हाँ मेरा फोन लेके घूम रहा है फिर क्या? ट्रेड कर लिया ना तूने? हाँ 11 के साथ ट्रेड करूंगा ना 13 प्रो को। तूने ट्रेड किया यार, मेरा यूनिक फोन है। ओ पॉप सॉकेट लगा के घूम रहा है फोन के ऊपर, यूनिक फोन है। यूनिक फोन है भाई, 69 स्क्रैचेस है उसके। गिन के अपन भी राइस बंदा है, अपन ने फाइनली एक चीज खरीदी। कितने में लिए तूने? राइस $60 में लिया ना तूने हेडफोन? $63। सो गाइस ये देखो क्या वेदर हो रखा है, और काफी ज्यादा ठंड हो गई है एकदम से। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं शॉपिंग करके, क्या कह रहा है? सही है, पुचुक पुचुक। तो घर पहुंच चुके हैं, अब आपको शूज वगैरह भी दिखाते हैं कौन से वाले शूज़ हैं। सो गाइस दिस इज द बॉक्स फॉर दिस प्यूमा ड्रीमर, और ये अराउंड थे $140 के, पर हमें मिले हैं $80 के अंदर। और ये वाला कलर है इनका, बट अच्छे लग रहे हैं यार ये, बहुत मस्त है भाई। ये देखो $79.99, तो $80 के अंदर मिल गया, काफ़ी सही है भाई, मटेरियल भी सही है। तो गाइस हमारा ये भाई लेकर आया है चॉकलावा केक है ये। हाँ जी। यहाँ पे कितने का बेटा? $3.50 मतलब एक। टोटल $9 समथिंग। तीन लाया ना तू? हाँ तीन ही लाया। चल सही है यार, बढ़िया है। एक चीज तो वेज मिली डोमिनोज में हमें, दो गार्लिक ब्रेड शायद है या शायद नहीं है, सारा मेनू में तो दिख नहीं रहा था।
तो मतलब मार्गरिटा एंड ऑल ही होएगा वेज में, तो मार्गरिटा ले सकते हो, बाकी तो टॉपिंग से लिस्ट बनी हुई है, हिसाब से चूज कर लो। जैसे कल हमने खाया था, नहीं वो तो उसमें तो रेडीमेड था ना, इसमें ऑप्शंस हैं, मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज पूरा कस्टमाइज करा सकते हो। चल सही है, चीज क्या चीज डालनी है उस चीज से लेकर। अरे सही है सही है। तो गाइस अब हम ये एंजॉय करते हैं, चोकोलावा भाई लेकर आए हैं छोटे। तो गाइस ये है चोकोलावा का डब्बा, तो एक बार इसको ओपन करके देखते हैं। तूने खोल लिया? खोल रहा। अभी ये कैसा चोकोलावा है ब्रो? सो गाइस ये चोकोलावा है यहाँ पे, बट यार ये तो काफी वियर्ड सा है। ये क्या है? इधर देख ये इंसान लेकर आया ये चीज। अरे मेरे को क्या पता था कि ये पकड़ाएंगे। मैंने मस्किक के बारे में बोलते कि नो देयर इज नो मस्किक लाइक यार भाई यहाँ पे नहीं मिलता ना, इंडिया में तो मिलता है बटरस्कॉच मुझके। तो गाइस इसको खा के देखते हैं एक बार, पता चलेगा कैसा है। क्या बात कर रहा है? आटा इसमें डाल दे, लग रहा है आटा आटा हो रखा है। वही तो मैं देख रहा था, बट इसको खा के देखते हैं भाई, ठीक है ना ये? पर तो गाइस खा के पता चलेगा कि सही है कि नहीं। ये वो खा के देख रहा है, मरवाना चाहता है मेरे को। अच्छा है तो गाइस अप्रूवल तो मिल गया, अब मैं भी तेरा स्वाद देखी। इंडिया जैसे तो ठीक है, खा के मिलते हैं गाइस। ब्रो व्हाट्स योर रिव्यू? चॉकलेट खाया? एक बार खोल के देख ले बस। इसे खोला नहीं अभी तक। ये क्या है? अरे वैसे टेस्टी है, टेस्टी है भाई इंडिया, लेकिन दिया सही नहीं है। तो गाइस वी आर बैक होम, और ये भाई साहब अपने नए वाले गेमिंग हेडफोन्स को पैक कर रहे हैं। इसकी वीडियो हमने बना ली है, इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो शूट कर ली है बिना ट्रायपॉड के शूट करके, कि भाई आज मेरे को इतना वियर्ड लगा ना। लगेगा भाई, वो तो है ही, अभी तक ट्रायपॉड से प्रॉपर कैमरे से शूट करने नहीं आती थी, बट अभी के लिए तो जो था वही किया है। कैसे लगे तेरे को? मतलब अभी तूने देखे तो है ही ना, बिल्ड क्वालिटी में, क्वालिटी प्रीमियम है, क्वालिटी प्रीमियम है। कितने के लिए तूने? पर ये जो है हम यूज करके देखेंगे थोड़ा टाइम हेडफोन, और उसके बाद रिव्यू वीडियो भी बनाएंगे। बट फिलहाल अभी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड करूंगा वो ये हेडफोन्स वाली होनी चाहिए, अनबॉक्सिंग और रिव्यू एक ही वीडियो में बनाऊंगा यार। हाँ, बस एक में लपेट दे, एक ही में लपेटना पड़ेगा, क्योंकि बार बार फिर भाई तेरे को भी यूज करने हैं तो वो जाएगा। हम रिव्यू दे देंगे, हम रिव्यू देंगे। हाँ तो भाई मेरा चैनल ठीक है, ओके। चैनल का नाम चेंज हो जाएगा, चैनल का नाम गौरव टंडन से डेक्स क्रिएशंस पार्ट 2। सो नहीं, टेक की बातें विद डेक्स, टेक की बातें विद नहीं है ना भाई, या नाम है। चलो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर गाइस, बाय। Thank you.